दोस्तों आप भी राहुल चाहर को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की श्रीलंका में शर्मनाक हार के बाद अब भारतीय प्रशंसक के साथ साथ पाकिस्तानी के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने धवन को दी सलाह, जिसके चलते सोशल मीडिया पर धवन और वसीम अकरम के बारे में काफी ज्यादा बातें हो रही है। तो चलिए बताते हैं वसीम अकरम के इस बयान के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धवन ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी कप्तानी करी या नहीं? नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच गुरुवार 29 जुलाई को 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले को लेकर प्रशंसकों में काफी ज्यादा उत्साह था, क्योंकि इस मुकाबले से पहले दोनों ही टीमें एक एक मैच जीतकर सीरीज में अपनी बराबरी कर चुकी थी और अब यह मुकाबला भी अधिक रोमांचक होने वाला था, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करती वो इस सीरीज को अपने नाम कर लेती। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा। बता दें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की बल्लेबाजी का क्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन करा। सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने डबल डिजिट का आंकड़ा पार किया और भारतीय टीम ने अपनी निराशाजनक पारी के चलते श्रीलंका के सामने 20 ओवर में सिर्फ 82 रनों का लक्ष्य रखा, जिसको श्रीलंकाई टीम ने बेहद ही आसानी से हासिल कर लिया और इस मैच में जीत हासिल करके श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इंडिया टीम का श्रीलंका के खिलाफ प्रदर्शन काफी साधारण था, जिसकी वजह से भारत को श्रीलंका में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद काफी सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इस बीच पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार पूरी तरह से टीम का कप्तान है, क्योंकि अगर वो जिम्मेदार से बल्लेबाजी करते और अपना विकेट जल्दी से नहीं फेंकते तो इस मैच में अच्छा स्कोर बन सकता था और उनको हर मैच में अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। अंतिम मुकाबले में तो वो खाता भी नहीं खोल पाए। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यवहार है और इसका पूरा असर टीम की और टीम के नए खिलाड़ियों पर, जिस कारण टीम ज्यादा अच्छी नहीं कर पाई और श्रृंखला हार गई। मुझे उम्मीद है अपनी गलती से सीखेंगे और जल्द ही वापसी करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, वसीम अकरम के द्वारा दिया गया बयान सही है या गलत? इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।